गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इसके ऑलरेडी 4 वीडियोस हो चुकी हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 4 वीडियोस को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में ऊध्रोपातन कहा जाता है, क्या होता है सब्लिमेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर स्टेट व्हेन हीटेड विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कि जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस है, यानी कि जब भी कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊध्रोपातन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए और वो बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊध्रोपातन प्रक्रिया कहते हैं। तो सॉलिड का सीधा वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जैसे कि नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये इनको जब गर्म किया जाता है तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स के अंदर, यानी कि वाष्प में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में संघनन कहा जाता है, क्या होता है कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसको हम फ्रीजिंग भी कह देते हैं। यानी कि किसी भी द्रव का ठोस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण कहा जाता है, क्या होता है इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि किसी भी द्रव पदार्थ का वाष्प में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है, यानी कि वाष्पीकरण। अब कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन को? तो फर्स्ट है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज मोर पार्टिकल्स गो इनटू वेपर्स। इट मींस कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो भी क्या होगी, उसका रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ ही जो वाष्पीकरण की दर है वो भी बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है? बिकॉज मोर पार्टिकल्स गो इनटू वेपर्स, यानी कि जो तापमान बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो कण होते हैं लिक्विड के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में परिवर्तित हो जाएंगे? वेपर्स के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। इफ़ द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेज, यानी कि अगर सर्फेस एरिया बढ़ेगा तो जो वाष्पीकरण की दर है वो भी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ठीक है, यानी कि वायुमंडल के अंदर नमी। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि वायुमंडल के अंदर यदि नमी की मात्रा बढ़ेगी तो जो वाष्पीकरण की दर है वो घट जाएगी, यानी कि कम हो जाती है। फोर्थ विंड स्पीड, यानी कि वायु। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन द विंड स्पीड, यानी कि जैसे ही विंड स्पीड बढ़ेगी, यानी कि हवा की गति बढ़ेगी, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।